अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये मेरे ससुर पे नहीं गया। देखा तू क्या कह रहा था, बारिश नहीं आने का, ये देख ये। हाँ तो अब्बा मैं भी बताऊँ, शबनम आंटी मैं उस दिन तुम्हारे साथ पार्क में गया था तो अब्बा ने ये कान, अगर नहीं गया होता तो अब्बा को ये कान करने नहीं देता मैं। हाँ गुल्लू बेटा चुप रहो, माँ का कुछ तो ख्याल रख लो, माँ का कुछ तो कुछ तो ख्याल रख लो माँ का। शायस्ता भाई आपने भी 7 साल लगा दिए बिल्कुल दो बच्चे निकालने में। 7 साल में तो हमारा इमरोज, गुफरान, शोएब और अलीना तक आ गए थे। अब शबनम हम तुम्हारी तरह ताकत बन नहीं है, कोई मशीन नहीं है पटापट 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 बच्चे पैदा कर रहा है। हमारे दो ही अच्छे हैं, बस दो में अब टच मत कर लेना बिल्कुल हमें। कभी हमें भी तो मौका दो। चुप रहो, फालतू बात है। शबनम तुम मत आया करो भैया हमारे यहाँ, बिल्कुल हमारे मियाँ हमारे हाथ से निकल रहा है। अरे बाजी किरायूं आप ऑपरेशन करवा लो, दो बच्चे कर लिए, कमजोर हो गई हूं बहुत आप। नहीं नहीं अब तो हम ऑपरेशन ही कराएंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं इनका ठीक है, तुम मत कराना लेकिन। अरे अरे तू मेरे, अरे वो बच्चा रो दिया, अरे बच्चा रो दिया। चुप चुप बड़ी बाजी। ओ बड़ी बाजी क्या बात है, हम 2-3 बार हमने बुलवाया आप आए नहीं, कल कुंडे भी भरे थे जब भी नहीं आए। हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है भैया, आजकल हम कहीं नहीं जा रहे। क्या हो गया भाई बता दो। कह दिया हम कहीं नहीं जा रहे, किसी के हमें जाना नहीं है, कहीं हमारा दिल नहीं लगा। बड़ी बाजी कुछ तो बात है, देखो हमें मिर्ची लगती है हम फौरन बता देते हैं, बता दो आप। जब हमारी कहीं इज्जत है ही नहीं शगुफ्ता तो हम क्यों जाएं भला, हमारी कहीं इज्जत ही नहीं है। हम तुम्हारे घर 3 बार आए, तुम्हारी बहू हमें 5 मिनट, उसने हमारी इतनी मुखाग नहीं समझी कि 5 मिनट हमारे साथ बैठ के खुशी ऐसी बात कर ले। और उसकी घोड़ी की शक्ल की माँ आती है ना तो आधा आधा घंटा उनसे बात कर लेती है। पहली बार जब हम गए तुम्हारे शादी, जब शादी होने के बाद पहली बार हम घर गए, उनका बहू आएगी सलाम करेगी, सलाम छोड़ो तो आइसक्रीम खाने चली गई। दूसरी बार वो मेले चली गई अपनी मियाँ के साथ। तीसरी बार जब हम आए तो वो अपनी अम्मा के पास से उठी नहीं, घुस गई उनकी पल्लू में जाके। हम तो अब बिल्कुल तुम्हारे यहाँ कदम नहीं रखेंगे। तुम्हारे मियाँ ने भी हमारी इतनी बेइज्जती करी है, जब उसके घर वाले आते हैं, उसकी जब घर वाले आते हैं तो वो उनके लिए मुर्गे मुसल्लम पाई मनाता है, और जब हम आते हैं हमारे सूखी भिंडी रख देता है कि हमारी यही वो खाते। तुम्हारे यही करते हैं हमारे साथ, हमारे कई कोई इज्जत नहीं। आपने तो कसम खाई अपने मियाँ से, बोला है कसम खा के कि हम जिंदगी में कदम रखेंगे, तुम लोग से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, जाओ तुम बहन नहीं समझो, तुम्हारी बहन मर गई। सुनिए तो हम फरग अफजा जाने का सोच रहे थे, हम नारंगी कलर का प्लाजो और उसके साथ कुछ सूट बनाने का सोच रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे हैं। नारंगी प्लाजो मत सिलवाओ, तुम्हें पिछली बार भी तो वही देना, तो नारंगी 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 कर जाए अब तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हो गया आज आप पर? अरे जब से हमारी शादी हुई है आप हमारे साथ कुछ करते नहीं, हमारे करीब ही नहीं आते। क्या हो गया? तूने अपनी शक्ल की बात नहीं करी है, हमारी अम्मा कहती है हम बिपाशा की तरह लगते हैं बिल्कुल। अरे बिपाशा लगती है, बिपाशा बिपाशा को भी 4 बार जलाओ ना, तेरे से खूबसूरत निकल के आएगी बिपाशा में। ये सी बातें घर वालों के साथ में प्यार मोहब्बत की आती नहीं। अच्छा चल 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 तो कपड़े बदल क्या जा। कुछ हो आज तो थक गया रे। अस्सलाम वालेकुम दुलो भाई, चलो नाइट आउट कर रहे हैं। तुम्हारे पास आएगा टी-शर्ट का नहीं? अरे ये रे टी-शर्ट, ये क्या कर रहे थे जा रहे हैं भाईजान। अरे अरे भाई क्या कर रही हो? अरे हमारे घर में बारिश मत होने दो, 2 बजे रात को कौन किसके घर में आता है। अरे तो ये सब क्या कर रहे थे दूल्हा भाई? अरे वो सब छोड़ो वो सब छोड़ो, मेरे पास एक स्कीम है, मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। गाय का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 2 बजे रात में? मुझे 50,000 रूपए दे दो, जो बाजी का जेवर दिए थे ना उसे रख के मुझे 50,000। अच्छा मेरे को काम कर 15,000 रूपए पट्टी के जेवर दिए थे तुमने आज तक? अरे दूल्हा भाई वो 35,000 के आपकी अम्मी के भी मिलाओ ना उसमें। अरे किसी घर में आते हो देखिए सईद भाई, हम अपने घर के अंदर तमाशे नहीं कर सकते। आपकी लड़की घर बैठ गई है, उसको इतने झरंगे लग गए हैं। जरा सा हमारी यहाँ मुमताज भाई की शादी थी, अब वहाँ लड़कियाँ नाचने आई थी, थोड़ा बहुत नाच लिया उनके साथ वसीम, तो क्या बुराई हो गई। और आपकी लड़की को तो ओफो इतने झरंगे लग गए कि वो घर जाके बैठ गई। बिल्कुल हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, हम दीनी तालीम से। अरे ओफो सर सजदे में, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ है आप लोग के घर में ब्याज का काम चलता है। बताइए आपने कहा, आपसे किसने कह दिया हर जगह ब्याज का काम चलता है आपके इधर के? नाइट शिफ्ट वाले लड़के को हमने शिफ्ट दिए, ज्यादा कर रही मत होइए। अरे तो हमें किस्तों पर दिए को तुमने ऐसे ही नहीं दिए? इतना बड़ा रानी हार दिया है, छोटे छोटे हार दिए, ज्यादा कर रही मत ना सर। देखा कमर भाई को मरे हुए 2 साल हो चुके, तुम्हें भी तो किसी सईद की जरूरत होगी। हटो यहाँ से। सुनिए तो, अरे भेज देना आप लड़की को।
बड़ी बाजी, ओ बड़ी बाजी, देखना इनका स्टेटस जरा, ये हम तो समझ ही गए थे आपके लिए डाला इन्होंने। अरे कल शगुफ्ता तुम्हें तो मालूम है, जल बुन गई शादी में देख के, हमें जल बुन गई, हम इतने हसीन लग रहे थे कल की लड़कियां हमसाई कर रही थी, आप तो लगी नहीं रही, आप नानी है, आप तो लग रहे हैं कि छोटी बहन है। अब तुम्हें तो मालूम है, अगर हमने स्टेटस डाल दिए अभी शगुफ्ता, अगर हमने स्टेटस डाल दी तो इनकी रुमालियां जल जाएंगी, इनके सर सजदे में है और वो पता नहीं काय काय में है, और सालों के ढेके खोड़े घोड़े से लगी हुई, खाना खाएंगे दाल चूड़े से। अब हम बताइए ना, वो कपड़े अल्लाह तोबा तोबा, इतने वाहियात कपड़े, पीला प्लाजो, उसके ऊपर हरा कुर्ता, इतने बड़े बड़े बुंदे, टुच्ची लग रही थी, पेमेंट लगा था, पेमेंट टुच्ची लग रही थी। हम तो बताएंगे ना, अरे बाजी सी बोलती रहती हूँ, आप किसी दिन सामने आ जाओ तो ऐसा सब बोलेंगे, ख्वार कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हम जरा मिलने आए थे। अरे हम ये बोल रहे थे कल प्लाजो तो बड़ा शानदार लग रहा था तुम्हारा, हम जा रहे हैं, हमारी भिंडी जा रही है।